यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस साल नवरात्रि के दिनों में 3000 प्लॉट की एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। ये सभी प्लॉट प्राधिकरण के दूसरे और तीसरे चरण के लिए होंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस योजना का उद्देश्य नए शहरों का विकास करना है, जिसमें अभी से प्लॉट की स्कीम लॉन्च की जाएगी। के जो दूसरे और तीसरे फेज की जो जमीन अधिग्रहण की जाएगी, उसमें आच्छादित भूखंडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? दूसरे और तीसरे फेज, दूसरा फेज का तो ऑलरेडी जमीन एक्वायर हो चुकी, पैसा भी बांटा जा चुका। तीसरे फेज का एसआईए चल रहा है, अभी एसआईए पे कार्रवाई चल रही है। रेजिडेंशियल प्लाट स्कीम में भूखंड की संख्या बढ़ाई जाएगी। रेजिडेंशियल प्लाट स्कीम अभी जो वर्तमान में चल रही है, जिसकी अंतिम तक 5 अगस्त है, उसमें लगभग 5.5 से प्लांट बढ़ाए जाने के लिए हम लोगों ने रेरा में पत्र भेजा था, सेक्टर 24 में वीवो के पास रेजिडेंशियल प्लांट के लिए। वो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन की उम्मीद है 1-2 दिन में आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो उसको जो वर्तमान स्कीम उसमें ऐड कर दिया जाएगा और स्कीम की अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा पारसोल में काफी जमीन हमारे पास आ गई है, और पहले हमारे पास सेक्टर 7A, 7B, 7C, सेक्टर 18 जो है पारसोल में था, जिसको कि हम लोगों ने मोहम्मदाबाद खेड़ा में शिफ्ट कर दिया था और एलआरटी को कब्जा दे दिया। अब ये जो प्लाट हमारे पास आ गए हैं कि लगभग 16 से प्लाट हैं, ये 16 से प्लाट को हमने कहा कि इसको डेवलप कर लीजिए, रोड नाली सीवर का काम 30% कर दीजिए, उसके बाद इसकी स्कीम नवरात्रों में ले आइए। तो 16 से प्लाटों की स्कीम, 16 से 300 मीटर के हिसाब से प्लाट है। अभी हम छोटे प्लाट भी लाएंगे इसमें, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर भी, तो ये संख्या 3000 के लगभग होगी। ये स्कीम नवरात्रों में आएगी, रेजिडेंशियल प्लाट की ये अगली स्कीम नवरात्रों में आएगी। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।